एक और शख्सियत पैदा हुई आ, उनका काम और उनका नाम दोनों आम लोगों के लिए कोई बहुत मरूफ नहीं हुए उनकी ज़िंदगी में वो शख्सियत इमाम हमीदुद्दीन फराही की शख्सियत थी उनके सवाने से बहुत हद तक लोग वाकिफ हैं उस पर मौलाना सैद सलीमान नदवी जैसे शख्स ने और ख़ुद उनके तिलमीज़ रशीद माराना अमीना हसन इस्लाई ने बहुत अच्छे मजामी लिख दिए हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि वो किस पाए की शख्सियत थी और उनके काम की नौीय क्या थी अपने ज़माने के अहले इल्म तो एक बिल्कुल जीकदर उस्ताद और इमाम की हैसियत से उनसे मुतासर भी हुए मौलाना अबुलकाम आज़ाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर मौलाना सैद सलीमान नदवी इस दर्जे के लोग हमेशा उनके सामने अपने आप को एक शागिर्द की हैसियत से पेश करना भी बायस फ़ख्र समझते रहे लेकिन आम आदमियों को, को बहुत ज़्यादा उनके बारे में इल्म नहीं हुआ उनकी सीरत और सवान इस वक्त मेरा मौजू नहीं है मैं उस मौजू की तरफ़ बढ़ना चाहता हूँ सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनके ज़रिए से फिर आप कह सकते हैं कि चार शख्सियात का मैंने आपको तारफ़ कराया जिनका असर पूरे आलमी इस्लाम पर हुआ है जिन्होंने दीन को बैसीत मजमू देखा है तो आप कह सकते हैं कि उसी सतह की बल्कि शायद उनसे भी बुलंदर शख्सियत की हैसियत इमाम हमीदुद्दीन फ़राई की शख्सियत है जो कुछ माजी से इकबाल और मौलाना सैद अबूल मदवी साहब साहिब तक पहुँचता हुआ आप देख रहे हैं इसकी बिल्कुल मतवाजी बिल्कुल ख़ामोशी से एक छोटे से कस्बे में बैठ कर एक शख़्स ने एक नई बात कही और वो नई बात ये थी कि कुरान मजीद को समझने और समझाने का जो तरीका इससे पहले रहा है ये तरीका कुछ ठीक नहीं रहा यानी अचानक एक नई आवाज़ सामने आने लगी और उसमें क़ुरान मरकज़ महवर बन के सामने आया वो ख़ुद बयान करते हैं कि जिस ज़माने में वो मदरसलाम सिंध में पढ़ाते थे कराची में थे तो उस वक्त उन्होंने ये ख्याल हुआ और इस ख्याल का मुहरने की चीज़ बनी कि आम तौर पर कुरान मजीद को मुंतशर आयात ही के मजमू के तौर पर लिया जाता है और ये चीज़ भी आम हो चुकी हुई है कि, कि कुरान मजीद में कोई नज़म नहीं है बल्कि शाह वली तक भी इसी जगह पर खड़े थे कि कुछ शजरात हैं जिनका मजमू है। यानी छोटे छोटे टुकड़े हैं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आयात हैं लेकिन छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको जमा कर दिया गया है और इस तरह से कुरान मजीद जैसे शाह वली कबीर में बयान भी किया कि जैसे शाहाना कलाम है वो सादर हुआ है फरामीन है तो उन फरामीन को फिर जमा भी कर दिया गया एक बादशाह अपना फरमान जारी करता है कभी वो एक जुमले की सूरत में होता है कभी वो एक पूरे पैराग्राफ की शक्ल में होता है कभी एक मुफसल तकरीर भी होती है फिर उनको जमा कर दिया गया है और इस तरीके से उन्होंने आ, वो ये कहते हैं कि मुझे ये ख्याल हुआ कुरान मजीद इस तरह की किताब नहीं है तो इस तरह कुरान मजीद उनके तदब्बर का उनके ग़ौर व फ़िक्र का महवर मरकज़ बनना शुरू हुआ और मुसलमानों की पूरी तारीख में इस दर्जे में कुरान मजीद किसी शख्स की ज़िंदगी फ़िक्र और सोच का महवरक बन जाए ये बहुत कम हुआ है इसकी बहुत कम मिसालें मिलती हैं आमतौर पर जो बहुत बड़े बड़े हैं वो बहुत सेनून पर काम कर रहे होते हैं उसके दौरान में वो एक कुरान मजीद की तफसीर भी लिख देते हैं लेकिन यहाँ सूरत ये यह नहीं है यहाँ तो यूँ समझ लीजिए कि जैसे सारी दुनिया से मुँह मोड़ कर एक आदमी कुरान मजीद में मोतकफ हो गया है तो उन्होंने कुरान मजीद को मरकज़ बनाकर उससे मुत्लूम पर भी काम करना शुरू कर दिया उसका जो नतीजा निकला वो ये है कि कुरान मजीद को समझने का एक बिल्कुल नया उसलूब सामने आया ये बहुत मुनफरद उसलूब था Uh, मैं आप सर्च करता हूँ कि मेरा जब पहली मरतबा तारफ हुआ मैं बिल्कुल इससे वाकिफ नहीं था उस वक्त मैं अभी कॉलेज में पढ़ता था और पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के करीब ही है अक्सर मैं वहाँ भी चला जाता था और मुझे ख्याल हुआ कि कुरने मजीद के बारे में कुछ चीज़ें देखनी है तो मैं कैटेलाग देख रहा था तो उसमें एक जगह के ऊपर एक किताब का नाम सामने आया कुरान से मतलब और उसमें ये ये नाम भी कुछ मुझे थोड़ा सा अजनबी सा लगा तो मैंने वो छोटा सा रिसाला था निकलवा लिया और उसको मैंने वहीं खड़े खड़े अगर कभी पंजाब यूनिवर्सिटी की पुरानी इमारत में जो लाइब्रेरी की इमारत है जाने का आपको मौका मिला हो तो कैटेलाग बॉक्स जहाँ पड़ा हुआ है उसके बिल्कुल पास एक खिड़की है तो उसमें खड़ा हो मैंने उस रिसाले को पढ़ना शुरू किया वो एक बिल्कुल नई दुनिया थी यानी एक छोटा सा रिसाला ही बहुत काफ़ी था कि वो सोचने का नया अंदाज मुतारफ़ करा दे उसके मुकदमे में ये बयान किया था बदरुद्दीन इस्लाही ने जिन जिन जिन्होंने उसको एडिट करके छापा था कि मैं ये अपने तौर पर उनके रुषात फिक्र को जमा करके छाप रहा हूँ क्योंकि वो शख्स जो सानिय इस नय नज़ हमत अब्बदान बदाविल मामिल यही फिक्र था उसमें अरबी ज़बान में कि वो दो में से दूसरा इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है तो वो दो में से दूसरे से उनका इशारा था असल में मेरे कदर उस्ताज इमाम अमीन असन अहि की तरफ तो मैं उसी वक्त हकीकी माने में मुतारफ़ हुआ इससे पहले असल में इसलाई साहब का जिक्र जमत इस्लामी के हवाले से ज़्यादा सामने आया था और कुछ बहुत मेरे लिए काबिल तोज् नहीं हुआ यानी उस लिहाज से अगर देखें तो मौलाना सैद अबर मौजूदी की शख्सियत बहुत छाई हुई महसूस होती है तो पहली मरतबा ये एक नया जाविया था एक शख्सियत को देखने का मेरे सामने आया और फिर उसके बाद मैंने कई मरतबा बयान किया है कि मैं फिर उनकी तलाश में निकला और इस तरह उन्नीस सौ तिहत्तर में मेरी मुलाकात हुई और फिर वो वक्त आया कि जिसमें मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं उनसे कुरान मजीद पढ़ूँगा तो इमाम हमीदुद्दीन फ़्राई ने जो असल कारनामा अंजाम दिया वो ये है कि कुरान मजीद की जुबान असल में क्या है उसके बात करने का उसलूब क्या है इसको इस खूबी के साथ वाजे कर दिया और एक ऐसी नई दुनिया पैदा कर दी कि जिसके बाद जो बाकी सवाल थे वो आपसे आप खत्म होने शुरू हो गए यानी जब आप उसकी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि उन्होंने कुरान मजीद का नज़ दरियाफ्त किया मेरा कहना यह कि उन्होंने उन्होंने कुरान मजीद की ज़ुबान और कुरान मजीद के बात करने का उसलूब दरियाफ्त किया और उसका एक बाई प्रोडक्ट है नज़म उसके नतीजे में जो चीज़ बे नजर आ रही थी वो असल में आपसे आप, आप नमदार हो गई कि वो तो एक मनज़म कलाम है उसमें सूरतों की क्या नोयत है उसमें उसकी बाहमी तरतीब क्या है ये अगर आप देखें उनके काम को तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि कितना गैर गैरमूली काम है लेकिन इतना गैर गैरमूली काम जिसको गोया एक तारीखी ब्रेक थ्रू कहना चाहिए जिसने पूरे के पूरे माजी को तब्दील करके रख दिया ये एक दिन में पाया तकमील को नहीं पहुंच सकता यानी जब भी इस तरह का कोई काम होगा वो बहुत वक्त लेता है इससे पहले जो बड़े बड़े मुफ्करन हैं जिनका मैंने आपको तारुफ भी कराया वो एक एस्टेबलिश रवायत में खड़े होकर काम कर रहे हैं बल्कि अगर आप देखें तो इमाम गजाली कोई पहले दिन नहीं पैदा हो गए उससे पहले बहुत सा काम है जो मुख्तफनूम फ़नून प्रफिक पर हो गया है हदीस पर हो गया है नहब पर हो गया है इसी तरीके से इल्म कलाम के बहुत से मदारस फ़िक्र वजूद में आ गए हैं तो वहाँ भी एक दिन में नहीं हुआ फिर उसके बाद एहिया वजूद में आई है यानी एक तीन चार सदियों का पस मंज़र है जिसके बाद जाके एहिया वजूद में आई यही सूरत हाल ने तैमिया की है और बाकी लोगों की भी है तो यहाँ पर सूरत ये नहीं है कि इस चेन में या इस लाइन में इमाम हमीदी फराही भी एक बड़े स्कॉलर की तरह खड़े हैं उस पस मंज़र नहीं यहाँ एक बिल्कुल नई दुनिया वजूद में आ रही है तो इस वजह से अगर आप उनके यहाँ देखें तो एक तरफ वो कुरान मजीद को महब्र मरक़ बनाए और दूसरी तरफ उनको ये महसूस हो रहा है कि इसमें तो जितने वूलूम भी मुसलमानों के हैं उन सब के बारे में जाविया नज़र तब्दील हो जाएगा यानी जैसे रिश्तों की साइंस की मौत वाकई हो रही हो और न्यूटन एक नई दुनिया तख्लीक़ कर रहा हो या आइनसटाइन एक नई दुनिया तख्लीक कर रहा हो तो उसमें जो कुछ माजी में मौजूद होता है वो बड़ा बहुत कम काम आता है फिर तो इस लिहाज से ये देखना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया वो बिल्कुल अलग फलग होकर बैठ गए उन्होंने उस ज़माने की कोई सियासी तहरीकों में हिस्सा नहीं लिया और भी यानी थोड़ी बहुत अगर मसरूफियत रही तो वो उस वक्त हुई जबकि जामिया उस्मानिया में थे या फिर मदरस्तलाह की कुछ निगरानी फरमाते थे या ये कि जिस जमाने वो दारसन्नफ़िन के सदर रहे तो उस वक्त कुछ थोड़ी बहुत उनकी मसरूफियत इस नौीयत की हुई अहल आलमी के साथ ज़्यादा उनकी अपनी ख्वाहिश तो ये थी कि मौलाना अबुलकलाम आज़ाद या महम्मदली जौहर में से कोई एक उनको मैसर हो और वो अपना इल्म उसको मुंतकिल करें ये दोनों मौलाना कलाम आज़ाद भी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी उनसे मामूली अक़ीदत रखते हैं आप में से अगर कुछ लोगों को वो मुनाजरा पढ़ने का मौका मिला हो जो मौलाना कलाम आज़ाद में तहरीरी तौर पर मौलाना अब्दुलमाज दरियाबादी के माबैन हुआ मैंने शायद इससे पहले भी अपने बाद लेक्चर्स में इसका जिक्र किया है कि मौलाना कलाम आज़ाद को अल में मौलाना अब्दुलमाजिदादा ने अपना एक मजमून भेजा इल्म नफसियात पर वो मजमून था मौलाना अब्दुलमाजिद ख़ुद फ़लसफे के पस मंजर से दीन की तरफ आए तो उस मजमून में प्ले पेन एंड प्लेयर का तर्जुमा हज़ो क्रब किया गया था प्ले पेन एंड प्लेयर यानी ये चूँकि नफ, नफसियात में तो चीज़ें जर बहस आती हैं ना यानी मसरत क्या है गम क्या है दर्द क्या है तो हज व उसका तर्जमा किया गया था उसके नीचे मौलाना क़लाम आजाद ने एडिटर के तौर पर शायक करते हुए एक नोट लिख दिया और वो नोट ये था कि पेन एंड प्लेयर का तर्जमा हज क़रब की बजाय अगर लज्तोअलम होता तो ज़्यादा फसी होता तो मौलाना अब्दुलमाजद दरिया बज़ी ने इसको कबूल नहीं किया और उन्होंने बहस शुरू कर दी हालांकि बदी सी बात है कि लज्जतालम बहुत खूबसूरत तर्जमा है लेकिन वह आमादा नहीं हुए तो एक खतूत का फिर तबादला हुआ है अगर अदबी मार्ग के नंबर है एक नकूश का उसमें उन्होंने ये सारी खतों किताबत जमा कर दी है कभी आपको पढ़ना हो बड़ी गैर ग़ैरमूली खतों किताबत है जाहिर है कि मौलाना अब्दुलमाजिद दरिया वादी बड़े फ़ाजिल आदमी हैं और मौलाना अब्लकाम आज़ाद भी एक तारीखी अपक्री शख्सियत है और अदब ज़ुबान क्या चीज़ होती है तर्जमे में क्या चीज़ें मलभूज रखनी चाहिए वो किसी ने जानना हो तो वह तहरीरें उसको पढ़नी चाहिए बहुत अली तहरीरें हैं तो उसमें वो फिर भी बहरान आमादा नहीं हुए मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी तो आखिर में उन्होंने लिखा कि भाई इस वक्त एक ही शख्स है कि जो मगरबील को भी उस दर्जे में जानता है और मशरकी का भी रमज़ ना है वो इमाम मीदिन दिन फ़्राई है फिर मामला उनके सामने रख देते हैं तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मौलाना कलाम आज़ाद जैसा शख्स भी किस दर्जे में उनसे मुतासर था और उनको देखता भी था ये जो कुछ मौलाना अबूकाम आज़ाद की तफसीर में आपको नुदरत महसूस होती है इसका पस मंर भी ये है कि मौलाना हमीद्दीन फ़राई इमाम फराई एक ज़माने में दो तीन महीने नदवे में मुकम रहे हैं और वहाँ उन्होंने शिबली के ईमा से क़ुरान मजीद पर कुछ लेक्चर दिए हैं उसमें मौलाना अबूकलाम आज़ाद बतौर एक तालब इल्म के शरीक होते रहे हैं तो उसके असरात आपको उनकी तफसीर में भी नज़र आएंगे ये एक बिल्कुल नई दुनिया यानी कुरान मजीद को एक ऐसे जाविये से देखा कि जिसमें कुरान इससे पहले कभी देखा नहीं गया था और मैंने फिर अर्ज़ कर दिया है कि उस, उसका जो रास्ता निकला है वो रास्ता कोई फ़लसफे या कोई सूफियाना इनकशाफात से नहीं निकला वो ज़ुबान से निकला है यानी जुबान की अप्रीसीशन ज़ुबान का उनका जितना आला क़ है बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे एक शख्स जो है वह सदियों को फ्लॉग कर उस दौड़ में चला गया है जिसमें वो जुबान बोली और उसका पूरा स्ट्रक्चर इलहम हो रहा है उसके ऊपर वो समझता है जुमले को देखता है तो ये मालूम हो जाता है कि एक नए तरीके से वो उसको देख रहा है तो उनकी पूरी जो ज़िंदगी है उसका अगर आप मुा करें तो उसमें मरकज़ महवर तो यही है इसी को सामने रख के मसलन वो कुरान मजीद के अल्फाज मुफ़रदातलर कुरान कुरान मजीद के असलीब असलीमन कुरान कुरान मजीद का नज़म कुरान तो वो इसी को महवर बना काम कर रहे हैं तफसीर भी उन्होंने फिर करके दिखाई उलूम के साथ और उसमें आखिरी मुख्तर सूरतों की तफसीर तो मालूम है कि उर्दू में भी तर्जा हो चुकी है असल में तो उनका सारा काम अरबी ज़ुबानी में था वो मजमु तफासिर फ़राही के अनवान से छपती है और मौलाना अमीनासिन इस्लाही ने अपनी पदाही ज़माने में अवाइल ही में उसका तर्जमा कर दिया था ये जो तराजुम है ये जिस ज़माने में असलाह में शाये हो रहे थे तो मौलाना सैयद अबुल्ला साहेब मदूदी ने इन पर रिव्यू लिखे है ये मौलाना अमीनासिन इसलाही ने तर्जमे किए हैं आ, इमाम हमीुद्दीन फराई की उन मुखसर तफ, तफासिर के तो अब तो ये है तफसिर फ़राई की शक्ल में आ गए हैं उस वक्त जाहिर है कि अलग अलग छप रहे थे तो जैसे जैसे जो छपते जा रहे थे हर शुमारे में या एक के बाद दूसरे शुमारे में मौलाना सैद वाहब मौजूदी तर्जुमान कुरान में उस पर तबसरा कर रहे थे तो वो तबसरे भी पढ़ने के हैं यानी उसमें उन्होंने कितनी दाद दी है और ये बताया है कि ये बिल्कुल एक नई दुनिया है जो एक जल्कर महक्क़ ने फिर उनका तारफ़ भी कराया है उनकी कलाम अरब पर कैसी नज़र है और अरबी असालीब को वो कैसा समझते हैं और मौलाना मीनासन असलाई को भी बहुत दाद दी है और ये कहा है कि अगर कुछ लोगों को अली अरबी इबारतों को उर्दू में मुंतकिल करने का सलीका सीखना हो तो उनको ये तर्जे देखने चाहिए ये तबसरे मौलाना सैद अबरूल साहिब मौदूदी के अदबियात मौदूदी नाम की एक किताब है जिसको प्रोफेसर खुर्शीद अहमद ने मरतब किया उसमें जमा करके शाये भी कर दिए गए तो एक तो उन्होंने ये किया कि कुरान मजीद को महब व मरकज़ बना के बहुत सेलूम पर किताबें लिखीं जैसे सलीबल कुरान है जैसे कुरान है जैसे निज़ामक कुरान है या अल-उसूल फ़ी अल तकमील फ़ी उस तवील है या और इस तरह की और दूसरी जानब जो इसके मामूम हैं उनके बारे में भी बहुत से जो इंकशाफ़ा उन पर हुए वो आमतौर पर उनको नोट कर लेते थे और उसके नीचे लिख देते थे कि ये फ़लां किताब के लिए ये फ़लां किताब के लिए तो कोई सत्तर अस्सी किताबें इस तरीके से एक ही वक्त में जैर तसनीफ़ है यानी उसमें से किसी के बारे में कोई नई हकीकत मालूम होती है तो लिख के तो उसको वो एक तरफ डाल देते हैं फिर यही है असल में उनके लिखे हुए छोटे छोटे नोट जिनको अब शाए किया जा रहा है कुरान मजीद के बारे में भी उनका यह था कि वो उसके हाशिए पर बाज जब पढ़ते थे तो उस पर कुछ नोट लिखते थे वो भी अब शाइ हो गए हैं फिर उन्होंने बाकायदा तफसीर भी लिखना शुरू कर दी थी जो सराय बकरा की गालिबन आयत छियासठ तक लिखी गई है वो भी अब शाए हो गई है उसको भी शाइ कर दिया गया है तो इस तरह लेकिन ये सब अरबी जुबान में है तो उनका जितना भी इस तरह का काम था उनमें से कोई चीज़ भी पाया तकमील को नहीं पहुँच सकी यानी एक एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं यह कुरान भी हकीकत में कोई बाकायदा किताब नहीं है बल्कि इसी तरह के नोट्स हैं जिनको फिर मरतब कर दिया गया कुरान भी इसी तरह है उनके नोट्स हैं बल्कि अब इसको डॉक्टर अजमल इसलाई ने इसको छापा है गालू से छपी है कुरान तो उसमें उन्होंने दोनों चीज़ें जमा कर दी हैं यानी मुफरदात कुरान के जो असल नोट्स थे वो भी उसमें हैं और जो मुख्तफ जगहों पर इमाम हमीद्दीन फ़लाई ने बादल पर बैसे की थी उनका भी उन्होंने एक तरह से खुलासा करके उनको भी नकल कर दिया तो वो काफ़ी जामे बन गई है लेकिन ये अगर आप देखें तो बहुत कम किताबें हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो मुकम्मल की हैं ऐसे अकसाम कुरान है अर्राइव सैफ़ी मन हो ज़बी है अकसाम कुरान को तो उसी ज़माने में रशीद रजा ने जो मुफ्ती मोहम्मद अब्दोहू के शागिरद हैं और मिसर के बड़े जरूल कदरों नमाय मिसर से छाप दिया था और उस पर बहुत अच्छा मुकदमा भी लिखा और तारुफ भी कराया उसका कि ये किस पाए की चीज़ है तो एक, एक चीज़ भी अज़ा में उनके यहाँ जेर बहस है मुत्लूम के बारे में भी वो अपनी मुख्तलफ आहरा दे रहे हैं और वो मुसदात की शक्ल में ही मिली है उनके बाद और दूसरी जानब इसको बाकायदा मौजू ब बना कर भी अपना काम कर रहे हैं तो इसके नतीजे में क़ुर मजीद का सिर्फ नज़म दरियाफ़त नहीं हुआ बल्कि क़ुरान मजीद है क्या यह भी दरियाफ़त हुआ यानी अब जब मैं ये कहता हूँ कि कुर मजीद एक पैगम्बर की सरगुज इंजार है तो ये कुरान मजीद में ालिबन ये अल्फाज पूरी तारीख में कभी इस्तेमाल नहीं किए गए ये हकीकत भी उसी काम के नतीजे में नवोदार हुई उन्होंने कुरान मजीद को समझने का जो उसूब इख्तियार किया और जिस तरीक़े की तरफ तोजो दिलाई उसने उस ज़माने में बहुत लोगों को मरूब तो किया लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मतवज नहीं किया कि वो पूरी तरह उसको समझ लेते मैंने आपसे अर्ज किया कि शिबली ने भी तारुफ कराया शिबली के तो वो शागिर्द भी हैं शिबली के अमजाद भी हैं शिबली से उन्होंने इब्तदाईलूम पढ़े हैं तो शिबली भी नदवे में गाहे गाहे उनके काम का तारुफ़ भी कराते हैं कभी कभी एक उस्ताद की हैसियत से तंबी भी करते हैं वो तमबीहा भी तारीख का हिस्सा बन चुकी हुई हैं ये जो उनकी बलागत पर किताब है इसको सबसे पहले शिबली ने एक रिव्यू लिख के मुतारफ कराया था मौलाना सैदबाल्ला मौदूरी साहब ने भी बहुत से रिव्यू लिखे और फिर अगर, अगर कभी आप देखें तो तफीमन कुरान में बहुत कम ऐसा हुआ है कि अपने माश्रेन का नाम लेके माना सैद अब साहब मौदूदी को तनकीद करें लेकिन सुरय फील की तफसीर में इमाम फ्राई की राय पर उन्होंने नाम लेके तनकीद की है और वहाँ पर भी बहुत शानदार अल्फाज में पहले उनका तारफ़ कराया है कि वह किस दर्जे की शख्सियत है और फिर ये बताया है कि मैं उनकी इस राय से इतफाक़ नहीं रखता और अपना नुक्ता नज़र उन्होंने बयान किया तो ये उन्होंने किया अब इसके नतीजे में देखिए नतीजे के तौर पर क्या हो सका और मेरे ख़्याल के मुताबिक यही हो, हो भी सकता था ज़्यादा उम्र उन्होंने नहीं पाई उनको कुछ मसाने की तकलीफ थी उसी में उनका एक ऑपरेशन हुआ और वो मथुरा में दुनिया से रख्सत हो गए और मौलाना अमीनासन इसलाई कभी कभी सुनाया करते थे कि जब मुझे इतला मिली कि उनका ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ तो मैं वहाँ गया डॉक्टर हफीज़ साहब उनके बहुत अजीज़ दोस्तों में से थे उन्होंने ऑपरेशन उस वक्त कभी ये टेक्नोलॉजी भी इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी बहुत सी चीज़ें थी तो जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा कि अमीन आ गए तो वो ये कहते थे कि मुझे महसूस हुआ कि इस वक्त मेरे नाम को उसके मानी के लिहाज से इस्तेमाल किया उन्होंने और बस उसके एक दो दिन के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए कोई सात आठ लोगों ने उनका जनाजा पढ़ा मथुराई में कब्र थी ना किसी को मालूम हुआ कौन आया था कौन दुनिया से चला गया तो उनका जितना भी काम था उसमें ऐसा नहीं हुआ कि पूरे के पूरे कुरान मजीद पर काम हो गया हो ये भी नहीं हुआ बहुत जगहों के ऊपर उन्होंने अपनी आरा दे दी जैसे मैंने अर्ज़ किया सूरह बकरा के कुछ हिस्से की तफसीर भी लिख दी कुछ तफासिर जो आप इस वक्त देखते हैं मजमु है तफासिर में छोटी सूरतों की तफासिर भी आ गई बहुत से सेनूम फ़नून पर भी अपनी राय दे दी लेकिन ये ये जो समझ लीजिए कि जैसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है बस यानी उसकी बुनियादें पड़ गई हैं अभी उसको बड़ा सफ़र तय करना था ये मालूम है कि उनके आखिरी पाँच साल थे जिसमें उन्होंने ये देख कर के अबूल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जैसे लोग तो सियासत की नज़र हो गए और अब उनसे कोई तो नहीं रखी जा सकती तो मदरसे के अंदर एक गैर मामूली सलाहियत के नौजवान की हैसियत से अमीन हसन का इंतखब किया और फिर वो कहते हैं कि मैं गया वहाँ पर तो उस वक्त मैं मदरसे से फारग होकर मदीना अखबार का एडिटर हो चुका था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एडिटरी करोगे या हमसे कुरान पढ़ोगे तो वो बयान करते थे कि मैंने कहा कि आप कुरान पढ़ाएं तो एडिटरी क्या चीज़ है तो बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं छोड़ के उनके पास आ जाऊँगा तो इस तरह गोया आखिरी पाँच साल मौलाना अमीनासनलाही को उनके पास आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि नब्बे बानवे साल की उम्र में भी मौलाना अमीनासनला जब उनका जिक्र करते थे, थे तो उनकी कैफियत क्या होती थी यानी वो ऐसे लगता था कि जैसे इस मौलाना मीनासन ख़ुद एक कदर आलम और एक बड़ी शख्सियत होते हुए बिल्कुल अपने बचपन में वो इकबाल के वो वशार याद आते थे मुझे कि इल्म की संजीदा गुफ्तारी बुढ़ापे का शौर सोहबत मादर में तिफिल सादा रह जाते हैं ऐसी कैफियत का एहसास होता था और वह बहुत यानी आवाज़ बदल जाती थी अंदाज बदल जाता था बिल्कुल एक दूसरी कैफियत और उनके वाक़ सुनाते थे और बड़ी काश उन यादगार मजलसों को इन कैमरों में मुंतकिल किया जा सकता जब वो उसके बारे में सुनाते थे एक तस्वीर खींच देते थे उसकी बहुत से वाक़ तो मुझे याद आ रहे हैं बताया कि मैं पढ़ रहा था ये मालकत पढ़ रहा था तो मेरी समझ में कोई अरबी शायरी आई वही नहीं तो मैंने कुछ तबसरे करने शुरू कर दिए उनका मिजाज तो इसी तरह का था तो बहुत से इस ने जाके उनको बताया कि आपके शागिर्द अमीन अहसन वो तो कहते हैं कि अरबी शायरी भी कोई शायरी है पता ही नहीं चलता कि महबूबा की तारीफ़ हो रही है कूंटनी की तारीफ हो रही है तो ये जुमला उन तक पहुंचा तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं उनको अरबी शायरी समझाई नहीं गई होगी तो कहते हैं कि मुझे बुलाया उन्होंने तो कह भाई बताया मैंने कहा कि मुझे तो ऐसे ही लगता है समझ में नहीं आता कि महबूबा की तारीफ़ हो रही है कूंटनी की तारीफ़ हो रही है तो अलकासा मुस्कराया और कहने लगे कोई शेर पढ़ो तो उन्होंने कहते हैं कि वो बस ऐसे ही जब उन्होंने अचानक फरमाया तो मैं इमर अकेश के मौलिके का पहला शेर पढ़ दिया कैफानब के में ज़िक्रा हबीब व मंजिली तो और उनका तर्जमा करो तो मैंने तर्जमा कर दिया मौलवी तर्जमा करते हैं कि दोनों दोस्तों ज़रा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ हम याद ताज़ा करें महबूब की भी और उसके ठहरने की जगह की भी ये है एक तालब इम जैसा तर्जमा करता है तो उन्होंने कहा कि ऐसे तर्जमा करो कि दोस्तों ठहरो ठहरो जरा जाना और मंजिलें जाना पे दो आंसू बहाने दो कहते हैं कि मैं मैंने कहा शेर हो गया <laughs> तो इस तरह वो उनके वाक़ सुनाते थे कि दिन के बाद से मुझे अंदाजा हुआ कि अरबी शायरी को कैसे अप्रिशिएट करना चाहिए एक मरतबा मुझे उन्होंने बताया कि मैं पढ़ रहा था मौलाना फैजुल हसन सारनप्रीडो माल इमाम फ़राई के भी उस्ताद हैं उनकी हमासा की शरा पढ़ रहा था तो उसमें किसी जगह के ऊपर अनला तजिया बनीति इस तरह की कोई हिस्सा आ गया किसी शेर का तो वो ला मेरी समझ में नहीं आया तो वो उसकी तस्वीर खींचते थे कि वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतर रहे थे उनके हाथ में आम तो पर एक पेंसिल होती थी तो जब वो नीचे उतरे तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या है मैं बहुत पढ़ चुका मेरी समझ में ला नहीं आया तो उन्होंने किताब पकड़ी और पेंसिल से उस पर लिखा ला है या ना नादरा भाई अमीन ऐसा जैसे तुम कह नहीं देते हो कि जिस घड़ी मेरी मौत ना आ जाए तो ये वो ना है तो मैंने कहा कि समझ में आ गई बात यानी होता है बात जो जो ज़ुबानें जैसे आपकी अंग्रेज़ी है या उर्दू भी अब बहुत हद तक एक कायदे में आ गई है उससे पहले ज़ुबानें कुछ अल्फाज को ऐसे इस्तेमाल करती हैं कि वो एक ख़ास तरह की ताक़ पैदा कर देते हैं लेकिन वो अपने मानी के लिहाज से उलट बयान कर रहे होते हैं तो उन्होंने इस जानब तोज् दिलाई ऐसे ही जब आपके इलम में है कि मालानाशरली थानवी ने उनकी तकफीर कर दी थी एक ज़माने में उन्हें फतवा दे दिया था मानना इमाम महिद्दीन फ्राही एक छोटा सा रिसाला है अब छपा हुआ मिल जाएगा आपको उर्दू में ख्याल असनाए तर्जमए कुरान यानी वो वो भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है उर्दू में है और उनकी चंद उर्दू तहरीरों में से है तो उसको भी आप पढ़ के देखेंगे कि किस जाविए से देखता है एक आदमी चीज़ों को उसमें उन्होंने बताया कि क़ुरान मजीद का तर्जुमा करते हुए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं किसी दूसरी ज़ुबान में तो उसमें कुछ जगहों के ऊपर कुछ मिसालें दी हुई हैं उनमें से एक मिसाल किसी ने लिख के भेज दी होगी जैसे हमारे मा का तरीका है तो उन्होंने कहा कि जिस आदमी का ये ख्याल है तो उसकी तकफीर कर दी तो ये कहते हैं मौलाना मीनासन सुना करते कि वो इसी तरीके से लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतरते हुए आ रहे थे तो मैं मुझे बहुत रंज भी था और पूरे मदरसे में भी फ़ा थी और लमा भी ख़ासतौर पर मौलाना हुसैन मदनी उस फतवे के बाद खुद गए और उन्होंने जाके तो उसकी तरदीद में बड़ी ज़ोरदार तकरीर की वो भी मौलाना हमद्दीन फ़राइ से बहुत तकीदत रखते थे तो मौलाना हसन कहते हैं कि मैं भागता हो गया बड़े मेरे जज्बात थे कि ये क्या मौलाना इमाम फराई अगर मुसलमान नहीं रहे तो फिर और कौन और शिबली की भी शिबली के बारे में भी कर दिया तो कहते हैं कि वो उतरे और तो मैंने उनसे कहा कि आपने देखा है ये कहे क्या हुआ कहने लगे वो मौना शुरू थानवी ने आपकी तकफीर कर दी तो वो मुड़े दूसरी जाति में वो तो मुझे नहीं जानते बस तो अब वो मौलाना मीनासन इस फिक्रे की बलागत की दाद देते थे कि देखिए ये एक फिक्रा है इसको तो आम आदमी समझेगा बे न्याजी है हकीकत में ये पूरे फतवे पर तबसरा है वो तो मुझे नहीं जानता मतलब ये है कि मैं क्या हूँ मेरा काम क्या है उसकी नौीयत क्या है तो माली साहब को उसकी क्या ख़बर ली और उन्होंने फतवा दे दिया है तो छोड़िए उसको अपने रास्ते के ऊपर जाने दीजिए तो बहरहाल ये मैं कुछ दूसरी जालिम निकल गया मैं ये बता रहा था आपको कि इमाम हमीदी फ़राई का जो काम था वो ऐसा नहीं है कि वो हुआ और पाया तकमील तक पहुँच गया कुरान मजीद की तफसीर भी मुकम्मल नहीं हो सकी और फिर वो दुनिया से रुखत हो गए मौलाना मीनासन इसलाई ने उनसे पच्चीस साल की उम्र में ये गए हैं तो एक लिहाज से पाँच साल तक उनकी सोबत में रहे कुरान मजीद उनसे पढ़ा उनका तरीका सीखा उसके बाद फिर आ, एक जमाने तक तो असलाह में बहुत सी चीज़ें उनके फ़िक्र की तोज़ी में लिखीं बहुत सी चीज़ों को एडिट भी किया ये तर्जुमे भी उसी ज़माने के हुए हुए हैं लेकिन फिर खुद बताया करते थे कि मौलाना सैद अबुल्ला साहब मौजूदी ने जब एक दीन का नारा बुलंद किया तो हमने कहा कि भाई कहीं एक दीन हो ही ना जाए और हम पीछे रह जाएँ आए तफन्न कहा करते थे वो एक पूरी दास्तान है जिसके तहत फिर वो आ गए पठानकोट में और उनको पंद्रह सोलह साल उनके इस तरह से गुजरे वो खुदा का बड़ा करम हुआ कि उसमें एक तंजीमी सा इख्तलाफ बढ़ते बढ़ते वहाँ पहुँच के आके जहाँ वो अलग हो गए और ये खुदा का मामूली करम था वरना तदब्र कुरान मौजूद ना होती हकीकत यही है उसके बाद वो वो अलग हो गए बिल्कुल उसी तरीके से गोशा नशीन हो गए जैसे कि उनके जल्कद उस्ताद थे और अल्लाह तला ने फिर उनको मोहलत भी दी और आप अंदाज़ा कीजिए कि ये छप्पन में पचपन छप्पन में लिखना शुरू की गई है तदब्बर कुरान और उस वक्त मौलाना अमीना से असलाई की उम्र कोई बावन तिरपन साल हो चुकी हुई थी बाहिर तो नहीं लगता था कि ये पाए तकमील को पहुँचेगी आम हालात में लेकिन अल्लाह ने उनको इतनी मोलत दी कि तदब्बर कुरान की सूरत में इमाम फ्राई ने कुरान मजीद को समझने का जो ज्लूब दरियाफ्त किया था और कुरान मजीद के जो असरार दरिया किए थे उनकी रोशनी में एक ऐसी तफसीर पूरे कुरान मजीद की वजूद में आ गई उसमें ज़ाहिर है कि खुद माना अमीनासन असलाई का बड़ा गैरमा कंट्रीब्यूशन है बहुत सी जगहों पर उन्होंने अपने जल्कद्रस्ताद की आर पर तनकीद भी की है इख्लाफ भी किया है लेकिन वो जो चीज़ दरियाफ्त हो गई है यानी जो ब्रेक थ्रू हो गया है जो सोचने का अंदाज है वो असल में अब फिर आगे बढ़ा है और उसकी रोशनी में पूरे कुरान मजीद की तफसीर वाप के इलम में है नो मुजलदा में तदब्बर कुरान के नाम से वही में आ गई इसके बाद ये ज़रूरत महसूस होती थी कि कुरान मजीद जिस तरीके से अब वाज़ हो गया है इसको अब पूरे दिन पर अप्लाई किया जाए यानी ये उसका लाजमी नतीजा है कि एक नए अंदाज़ से जब कुरान मजीद के हक़ दरियाफ्त हो गए तो ये ज़रूरी था कि अब उसको उसकी रोशनी में पूरे दिन का जायज़ा लिया जाए यानी वही चीज़ जो मैंने इससे पहले बताया कि अहियाम इमाम गजाली के पेश नज़र है या वही चीज़ जो शाह वली के पेश नज़र है हजरत बालगा में तो ये ज़रूरत महसूस हुई और फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं इस काम का एक नक्शा बना के काम करूँगा बयान तो खैर कुछ दूसरी ज़रूरतों की वजह से वजूद पजीर हुई लेकिन मीज़ान में मकसूद यही था कि कुरान मजीद जिस तरीके से समझ लिया गया है उसको सामने रख कर अब पूरे दीन को बयान किया जाए यानी गोया अगर अगर एक एक तर्ज फ़िक्र ने हयाक और हजरत बालगा को या मौलाना सैद अबुल्ला साहब मौूदी की इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी को वजूद बख्शा है तो ये जो सोचने का अंदाज़ है ये अब तक करता है कि एक और जाविये से या इस जाविए से जो सामने आ गया है पूरे दिन को देखा जाए तो मीज़ान इसी ज़रूरत के पेश नजर लिखी गई थी